किस राज्य के मुख्यमंत्री को हाल ही में पॉल हैरिस फेलो पुरस्कार से नवाजा गया है? उत्तर, तमिलनाडु। यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 में। तमिलनाडु में जिलों की संख्या 38। तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी। हाल ही में फिक्की द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 2020-21 के लिए भारत की वार्षिक GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? उत्तर, -4.5%। फिक्की की स्थापना सन 1927 में हुई। इसके प्रेजेंट टाइम में सीएम है संगीता जी। एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर, छत्तीसगढ़। ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 28। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम है भूपेश बघेल और वर्तमान में गवर्नर हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके। किस भारतीय को इंटरनेशनल अकादमी ऑफ एरोनॉटिक्स 2020 वान कारमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? के सिवान। ये इसरो के चेयरमैन हैं। इनका पूरा नाम कैलाश वादिवु सिवान है। हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? उत्तर, असम। यह है मैप में असम। असम की राजधानी दिसपुर। असम में जिलों की संख्या 33। असम की स्थापना 26 जनवरी 1960 में। असम के वर्तमान में सीएम है सर्वानंद सोनोवाल। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन को कहाँ पर भारत का राजदूत इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तर, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गानी और यहाँ करेंसी चलती है अफगानी। नागीदास संघवी का हाल ही में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? पत्रकारिता। हाल ही में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने अपना अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया है? उत्तर, हेमांग अमीन। ये हैं हेमांग अमीन। BCCI की स्थापना सन 1948 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट हैं सौरभ मुखी जी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस समुदाय को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अनुसूचित जाति और जनजाति के समान ही छूट देने का फैसला किया? उत्तर, दिव्यांग वर्ग। ईरान ने हाल ही में किस देश को चाबहार रेल परियोजना से निष्कासित कर दिया है? उत्तर, भारत। कल का मुख्य प्रश्न, नवीनतम असाल्ट राइफल अरद और कार्मेल का निर्माण भारत में किया जाएगा। ये असाल्ट राइफल किस देश से संबंधित है? उसका सही उत्तर है इजराइल। आज का मुख्य प्रश्न, एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले एकमात्र फुटबॉलर हाल ही में कौन बने हैं? उत्तर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।